पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला है शॉकिंग मोड, जिसमें बढ़ने वाली है नायरा और कार्तिक की मुश्किलें। जी हाँ, एक तरफ आदित्य कृष की कस्टडी पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, लेकिन गोयनका परिवार के सामने उसकी चाल कामयाब नहीं हुई और इसी बात से गुस्से में आकर अब आदित्य गोयनका परिवार को मजा चखाने के लिए आदित्य करेगा कुछ ऐसा काम जिससे बढ़ने वाली है नायरा और कार्तिक की मुश्किल। दरअसल आदित्य का प्लान था कि वो कैरव, वंश और कृष को किडनैप कर ले ताकि गोयनका परिवार को कर सके परेशान, और अपने इसी प्लान के मुताबिक आदित्य कैरव, वंश और कृष को किडनैप करने के लिए तीनों को बहला फुसला कर एकांत जगह पर ले जाता है। लेकिन जब तीनों का दिमाग मिलकर करने लगा काम, तब तीनों समझ जाते हैं आदित्य का प्लान और फिर इस मुसीबत से बचने के लिए वो लगाते हैं अपना दिमाग। चाह होती है दोनों के बीच खींचतानी और जिसके बाद आदित्य का पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और गिरने की वजह से उसे लगती है चोट और वो हो जाता है बेहोश। आदित्य को बेहोश देखकर कैरव, वंश और कृष डर जाते हैं। वेल, अब सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में आने वाला है हाई पॉइंट ड्रामा, जहां अब आदित्य पुलिस के सामने कैरव, वंश और कृष के खिलाफ करेगा एफआईआर दर्ज। वहीं दूसरी तरफ नायरा और कार्तिक बच्चों को लेकर होंगे परेशान और वो बच्चों की बेगुनाही को साबित करने के लिए करेंगे पूरी कोशिश। वेल, सीरियल में दोनों पुलिस के सामने तीनों बच्चों की बेगुनाही को भी साबित कर देंगे, लेकिन वो पुलिस से अभी भी अपना पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ इन सब के अलावा गोयनका परिवार में आदित्य की वजह से ही नश और कीर्ति के लाइफ में आया है भूचाल और वो दोनों एक दूसरे से होना चाहते हैं अलग। तो ऐसे में क्या आदित्य का अगला प्लान होगा नक्श और कीर्ति के रिश्ते में दरार डालने का, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।